रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की वीडियो स्टार्ट करने बताता चलूँ कि आज की जो वीडियो है और कारोबार के मतलब आपको बताऊँगा कि क्या नफ़ा है और क्या नुकसान है। तो चलते हैं काम की तरफ। काम की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी तक आप तक पहुँच सके और उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं काम की जाना, आपको बताता हूँ कौन सा कारोबार है और क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। आइए जी। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त भट्टे पे खड़ा हूँ जहाँ पे ईंट तैयार होती है। ये आप सामने देख सकते हैं भट्टे की चिमनी है जहाँ से ये जो गर्दों के बाहर निकलता है, धुआं निकलता है, वहाँ पर खड़ा हूँ। लोग कहते हैं कि भट्टे का कारोबार बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श है। हाँ, ये बात मानने वाली है, नफ़ा बख्श है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी हैं। जो नुकसान आते हैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो नफ़ा है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ के जो आनर हैं भट्टे के उनसे भी बात करते हैं और उसके बाद जो थोड़ी सी डिटेल है वो मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आजकल सीज़न चल रहा है भट्टे का, लेकिन भट्टा आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल हाल ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे ईंट पकती है, ईंट तैयार होती है। ये जो जगह है ये अंदर से यहाँ पे आग जलती है, ये जो चूल्हे लगे हुए ये अंदर आग जलती है और उसके ज़रिए यहाँ पे जो ईंट रखी जाती है वो पक के तैयार होती है। तो मैं जो मेन चीज़ है वो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इन्होंने बारिशों से पहले यहाँ पे ये ईंट जो है वो रखी हुई थी पकने के लिए। तो ये सारा जो मलबा आप देख रहे हैं, यह सारी ईंट पड़ी, यह कच्ची ईंट थी जो यहाँ पे रखी थी पकने के लिए। ये सामने आप देख सकते हैं, वो सामने भी बटा है, लेकिन यहाँ पे इनका जो नुकसान हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये सारी जो डिटेल है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जी भट्टे का हालात है, ये सारी ईंट पड़ी हुई है। ये कभी आप सामने देखें, ये जो सारी ईंट नज़र आ रही है ये भी सारी ईंट ही पड़ी हुई है ये सारी। और ये जो बारिश पड़ी है, बारिश की वजह से ये सारा नुकसान हो गया इनका। तकरीबन ये बता रहे हैं तकरीबन 6 से 7 लाख का ये जो है नुकसान है हमारा। तो अभी ये मलबा जो है यहाँ से उठा रहे हैं, भट्टे के अलावा भी आप देख सकते हैं जब नुकसान होता है किसी भी कारोबार में तो दिली तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये भट्टा है जी और ये व्यू जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भट्टे का। सामने भी भट्टा है लेकिन वो अच्छी हालत में चल रहा है और ये भट्टा जो है तकरीबन बैठ चुका है। वो जो पंजाबी की मिसाल मशहूर है कि फलाने का भट्टा ही बह गया, तो मिसाल आपके सामने है। ये सारा जो माल है इनका, जो ईंट कच्ची थी पकने के लिए अंदर लाई गई थी, यहाँ पे जोड़ी गई थी, यहाँ पे आग लगानी थी उन्हें और ईंट तैयार होनी थी, वो तैयार नहीं हो सकी, तो इनका नुकसान हो गया। ये सामने सारा मलबा उठा रहे हैं, जो पुरानी और ज़ायदा ईंट है वो यहाँ से उठा रहे हैं। तो अभी चलते हैं जो भट्टे के ओनर हैं उनके पास चलते हैं और इनका जो नफ़ा नुकसान है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आइए मेरे साथ जी। तो नाज़रीन, भट्टे के ओनर जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो अंदर से मलबा उठा रहे थे तो इनसे बात की है मैंने, तो बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह नफ़ा है क्या नुकसान आता है इसमें। तो आइए भट्टे के ओनर से बात करते हैं, क्या बताते हैं, आइए मेरे साथ जी। सर दसो तुम, ये जरा नुकसान आ तो है ने, तो आड़े किस वजह तो है ने, की वजह बनी है? ये सर देखो बारिश की वजह ना, चलो अल्लाह की मर्जी है, दूसरे मामला तो है कहना वादे भी घाटे भी नुकसान इंसान के ना ही चलता जो मामला पे। ठीक है, ये कितना नुकसान हो गया है जरा, ये थोड़ी यानी कि कोई जी सामने वास्ते आने सर हूँ सर तरपाल छापर वगैरह उत्ते देंगे क्योंकि सिंगल सानू सर डबल करांगे दे दे। अच्छा, चलो अल्लाह ताला तुहानू होशाबाद रखे जी, ते अल्लाह ताला तुहाडी कामयाबी तुहानू अदा करे, ते अपना जिहड़ा सिलसिला निज़ाम है चली जाणा चलाओ जी सर। जी सर, ओके ओके जी ओके। ये भट्ठा केड़ी जगह ते वाकया है? ये भागवाल जी। भागवाल
ਬਾਬਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਭੱਠਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਕੇ।